अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2, सम नंबर 1 का थर्ड सम डिस्कस, फोर्थ नंबर का सम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह दी गई है, 4u² + 8u। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो किसी का फैक्टर भी नहीं है, u भी है दोनों में। तो अभी यही हमारा क्ल्यू है जो आपने डायलॉग माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी फोर के फैक्टर में कॉमन आ सकता है और यहाँ पे भी कॉमन आ सकता है। तो बस ये स्टेप से ही हम शुरू करेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्लियर करना है, पहला पॉइंट वो ध्यान रखना। कैसे? क्योंकि यू स्क्वायर है, इस बार एक्स की जगह यू दिया हुआ है, जिससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते पहले कॉमन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर कॉमन क्या निकलेगा, तो 4u कॉमन निकलेगा, तो यहाँ आएगा u और यहाँ आएगा 2 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0 कर दो, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा। सेम वे u+2 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा u इज इक्वल टू -2। तो आपका 0 आ गया, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। इसके साथ हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ जो हमें 0 फाइंड आउट करना था। अभी आप बोलोगे सर हमें फाइंड आउट करना है कोऑफिशिएंट और 0 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो वो हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपली अभी आपने फॉर्मूला दोनों में लिख दिए, तो सम ऑफ द 0, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 0+-2 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा 0 हो गया। अभी आपको बोला गया है कोऑफिशिएंट ऑफ यू, तो पहले हम लिख देते 4u² + 8u। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यू स्क्वायर का कोऑफिशिएंट जो होगा वो होगा 4, यू का कोऑफिशिएंट है 8, और आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं दी गई है तो 0 है। क्या है कांस्टेंट टर्म? तो कांस्टेंट टर्म इस बार 0 है। तो आप लिखना शुरू करोगे कोऑफिशिएंट ऑफ यू, तो यहाँ होगा -8, ये माइनस जो आया वो यहाँ से आया हुआ है, 8 ऐसे प्लस में, यू स्क्वायर आप बोलोगे सर 4 है तो हो जाएगा -2। तो आप बोलोगे सर वेरिफिकेशन हो गया, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू कोऑफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोऑफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, माइनस लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में आप बोलोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है 0 × -2, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 0। सेम वे कॉन्स्टेंट टर्म आप बोलोगे सर 0 है और यू स्क्वायर आपने अभी लिखा 4 है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर हमारा जो फाइंड आउट करना था बेसिकली फोर्थ सम में, तो फाइंड आउट द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने तो अभी आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आपको 0 फाइंड आउट करने थे वो आप दोनों में ढूंढ लिए है, फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोऑफिशिएंट, तो हमने वो 0 के कोऑफिशिएंट फाइंड आउट कर दिए। तो इसके साथ वीडियो नंबर 8 ख़त्म हुआ और लेक्चर भी ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे हम नई वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में, जो डिस्कस करेंगे सम नंबर।